रामायण में राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल ने मेरठ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार हैं। वे भाजपा के प्रत्याशी के बतौर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी दारा सिंह, रूपा गांगुली, नीतीश भारद्वाज जैसे रामायण और महाभारत सीरियल के कई अन्य एक्टर भी सियासी जमीन पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। किसने किस पार्टी से लड़ा है चुनाव में, ये काफी अहम मुद्दा रहता है। वहीं फिल्म एवं टेलीविजन के सितारों का राजनीतिक में आना कोई नई बात नहीं है। अब तक अनेक हस्तियां सियासी जमीन पर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। रामायण और महाभारत जैसे लोकप्रिय सीरियलों के किरदारों में इससे अछूते नहीं रहे हैं। गौरतलब है कि हाल ही में रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को भाजपा ने मेरठ से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले सीता का रोल करने वाले दीपिका चिखलिया और हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह भी भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। रामायण ही नहीं, महाभारत के किरदार भी राजनीति का पिच पर बैटिंग कर चुके हैं। बीआर चोपड़ा द्वारा राजनीति महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण की भूमिका में नजर आए नीतीश भारद्वाज ने 1996 में भाजपा के टिकट पर जमशेदपुर से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, जीत भी हासिल हुई थी। इसके बाद 1999 का चुनाव उन्होंने मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्हें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने हराया था। महाभारत में कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा भरत की भूमिका निभाने वाले अभिनेता राज बब्बर तो लंबी सियासी पारी खेल चुके हैं और अभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। बता दें कि महाभारत में द्रौपदी का किरदार निभाने वाली रूपा गांगुली भी भाजपा से राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रह चुकी हैं। वहीं युधिष्ठिर की भूमिका में नजर आए गजेंद्र चौहान भी भाजपा का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें पार्टी ने 2015 में एफटीआई का चेयरमैन भी बनाया था। महाभारत के भीम यानी प्रवीण कुमार भी आम आदमी पार्टी के टिकट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, बाद में वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। साल 2022 में उनका निधन हो गया था। इसके अलावा भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। बता दें कि रामायण में जो राम दिखे थे वो भी इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। मेरठ से अरुण गोविल चुनावी मैदान में सियासी पिच और रामायण महाभारत के ये कलाकार भी रह चुके हैं। और वही बता दें रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अब सियासी मैदान में उतर चुके हैं और भाग्य आजमा रहे हैं। आखिर क्या कुछ होता है ये देखना होगा, क्योंकि महाभारत और रामायण जैसे तमाम जो कलाकार हैं इनके सभी लोग अपने किस्मत आजमा चुके हैं सियासी मैदान में, और देखना होगा कि क्या कुछ होता है।